सिविक सेंटर वेल्डिक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी महोत्सव मेला इन दिनों शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी मनपसंद शॉपिंग करने यहां पहुंच रहे हैं। एक ही छत के नीचे जीवन में उपयोग होने वाली चीजें अगर मिले तो इससे बेहतर क्या होगा। जी हाँ, बता दें सिविक सेंटर वेल्डिक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी महोत्सव में जीवन में उपयोग होने वाली चीजें बेहद ही किफायती दरों पर उपलब्ध है। जैसे आकर्षक कपड़े, जूते, चप्पल, परिधानों की अनेकों श्रृंखला यहाँ उपलब्ध है। विभिन्न राज्यों के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए परिधान जैसे बनारस की बनारसी, साउथ की कांजीवरम, कश्मीर की पश्मीना, तो वहीं लखनवी कुर्ती, साथ ही आकर्षक जूतियाँ, बच्चों के टॉप, स्मॉल ड्रेस, वहीं आकर्षक शतरंजी, दरिया, बेडशीट, पिलो कवर, तो वहीं महिलाओं के लिए चूड़ी व कंगन की ढेरों वैरायटियां उपलब्ध है। वहीं महिलाओं के लिए इयररिंग, कुंदन के कंगन, नक के कंगन, तो वहीं खाने पीने की भी ढेरों वैरायटियां जैसे खट्टे मीठे मिक्सचर, मूंग के पापड़, उड़द के पापड़, बिजौरी, अचार, मुरब्बा, साथ ही साथ घर की साज सज्जा के भी अनेकों सामान, साथ ही आकर्षक कांच के मर्तबान, कप, प्लेट्स, ग्लास का गमला। इतना ही नहीं, अगर बच्चों के साथ आप यहाँ मेले में पहुंचे तो बच्चों के लिए मनोरंजन हेतु फिसल पट्टी भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। मेले के संचालक ने यहाँ पर जानकारी दी है, तो वहीं खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो मैं सभी भिलाई वासियों और दुर्ग वासियों का, पूरे जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं कि स्वदेशी खादी महोत्सव का एक बार पुनः आगाज किया है और अधिक से अधिक संख्या में आए और इस स्वदेशी खादी का लाभ उठाए। ये प्रदर्शनी हमारी हर वर्ष की बात जो कि इस बार भी लगाई गई है और एक से बढ़कर एक नया कलेक्शन हम लाए हुए हैं और इस बार जो कि काफ़ी भारी मात्रा में जो कि उलन कपड़ों का भी जो कि कह सकते हैं कि उलन कपड़ों का, गर्म कपड़ों का बाजार गर्म है। दर्शकों की मांग पर एक से बढ़कर एक नया कलेक्शन लाए हैं, उन्हीं कपड़ों की भरमार है, कश्मीरी साड़ी सूट भी लेकर के आए हुए हैं और अधिक से अधिक जो कि संख्या में, और सबसे बड़ी बात है कि बम्पर छोटे हैं, लगभग 18-19 राज्यों का हमारे यहाँ कलेक्शन है। क्या क्या मिलता है? अभी तो स्टार्ट कर, अभी गए नहीं वहाँ तक, अंदर तक जाएंगे तो फिर देखते हैं। खासकर जो यहाँ सभी प्रांतों की जो चीज़ें आई हुई हैं, सभी खासकर सूट्स है, साड़ीज है, सभी सभी बेस्ट है। अभी तो हम लोग गए नहीं है, अभी देखे नहीं है, अब जा रहे हैं तो अब देखेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं है। अपना डी मार्ट वगैरह तो ऐसे जाते ही हैं, लेकिन उससे अच्छा ये हमारा स्वदेशी आइटम बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें एक ही छत में और हम सब फ्रेंड मिलके आए और सब बारी बारी सहेली भी रहे, सहेली ग्रुप वाले, तो जिसमें सूट की रेंज काफ़ी अच्छी। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं, पहली बार जब हम आए थे तो हम तो सिर्फ देखने आए थे, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम आए तो हमको बहुत सारी जानकारी मिली कि मतलब इतने अच्छे अच्छे और रेट का यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट लगा मुझे बनारसी साड़ी का, और भी तो मुझे कलर, प्रिंट, डिज़ाइन और रेट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो स्वेटर्स की वैरायटी है बहुत अच्छी है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं जो आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं देखने मिलेंगे, जो यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। प्लस हर एक स्टेट का एक अलग अपना जो यूनिक फैब्रिक है, जो भी उनका यूनिक अटायर है, वो यहाँ हमें देखने मिल रहा है, जो आप बाहर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ अच्छा लगा इसलिए हम दोबारा आए हैं, और जबकि ये प्रदर्शनी स्टार्ट हुए भी 10 दिन ही हुए हैं। बिल्कुल आइए, एक बार तो आना बनता है, देख के जाइए, भले लेना ना लेना, बट एक बार देख के ज़रूर जाइए यहाँ पे। मतलब हमें इतना अच्छा लगा कि हम दोबारा आए हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे, तो आई एम श्योर कि जो बाकी आएंगे उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा यहाँ पे। स्वदेशी खादी महोत्सव में क्या अच्छा लगा? सब बढ़िया है, जो किफायती दरों पे एक छत के नीचे में वैरायटियां कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हर साल भिलाई में लगता है, बेस्ट है। तो देर किस बात की है, आप भी जल्दी सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे स्वदेशी खादी महोत्सव पहुंचे और अपनी मनपसंद खरीदारी करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।